हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आइए हम लोग बहुपद का पार्ट 11 देखेंगे जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है। चलिए पहला प्रश्न है, आप स्क्रीन पे प्रश्न को देखिए। तो एक में है बहुपद क्या है, तो आपको पहले ही मैं बहुपद का परिभाषा बता दिया हूँ इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर दो है, दो में है एक्स बराबर अल्फा, तो बोलता है पी इंटू एक्स का मान क्या होगा। सिंपल है, एक्स का जगह अल्फा धर देना है, हो गया आपका पी इंटू एक्स का मान, हो गया पी इंटू अल्फा। चलिए प्रश्न संख्या तीन, समझे, देखिए ध्यान से, पी इंटू एक्स है तो पी और एक्स का वैल्यू अल्फा ना है, बैठा दीजिए आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न तीन में है, ए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर क्या है, जीरो है। तो बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के एक शून्य का मान होगा, यानी शून्य मतलब एक्स का मान क्या होगा। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि हमारा शून्य होगा अल्फा। देखिए ध्यान से, यह इसके बराबर, यह ए का मान, बी ए का मान, यह बी बी सी सी। अब सिंपली आपको ऑब्जेक्टिव क्या बनाना है ना, सिंपल है कि आपका जो है ना संगत मान लीजिएगा तो ए वाला ए के बराबर होगा, बी वाला बी के बराबर, सी वाला सी का, तो शून्य का मान एक्स होता है। तो बी अल्फा बराबर हम इसको दोनों को बराबर कर देंगे बी एक्स, तो आपका बी बी खत्म हो गया, तो एक्स बराबर क्या हो गया अल्फा, यानी आपका ये शून्य हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चार, चलो प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन के शून्यंकों के मान लिखे, शून्य का मान। तो बस कुछ नहीं करना है, फर्स्ट में लास्ट कीजिएगा तब वो एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस वन, आपको तो सब तो आता ही होगा, ये चैप्टर तो खत्म हो चुका है ना, एक्स से कम एक्स प्लस कुछ नहीं मिलेगा कॉमन, तो दोनों क्या वन, तो एक्स प्लस वन, तो कॉमन एक्स प्लस वन आ जाएगा, फिर है एक्स प्लस वन, हाँ कि ना। चलिए तो दोनों को शून्य से तुलना कर देते हैं, एक्स प्लस वन बराबर जीरो और एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स का जो मान आएगा नहीं धरेगा तो माइनस वन, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस वन, शून्य का मान हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव है तो जितना आप सूत्र बना सकते हो। प्रश्न संख्या पांच है ना, पांच का प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक द्विघात बहुपद को लिखे जिनका शून्य कितना है, यानी शून्य यानी अल्फा बराबर आपका दिया गया है दो और बीटा बराबर दिया गया माइनस छ, लिखना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ना होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान दो प्लस बीटा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस छ, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी दो गुना माइनस छ, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो माइनस यहाँ घटेगा तो यहाँ माइनस छ में घटेगा तो माइनस चार होगा, माइनस चार और प्लस माइनस, माइनस चार और माइनस चार माइनस हो जाएगा प्लस चार एक्स माइनस प्लस माइनस छ दुनी बारह, आपका यहाँ क्या हो जाएगा अभिष्ट द्विघात बहुपद निकल जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है मित्रों, तो आप जितना सूत्र बना सकते हो आपके लिए उतना ही टाइम बचेगा, इसलिए मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे सूत्र बनाना है, ठीक है ना। ये चैप्टर तो खत्म हो चुका है तो आप जितना पार्ट बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर छह, द्विघात बहुपद के परिवार को लिखे जिनके शून्य कितना है, वही सिर्फ सवाल है, शून्य दिया अल्फा बराबर दो और बीटा बराबर दिया गया माइनस छ, बीटा बराबर दिया गया कितना माइनस छ, क्वेश्चन नंबर छह में, ठीक है। तो शून्य का परिवार द्विघात को परिवार लिखना, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, परिवार में जो परिवार, परिवार का मतलब ऊपर सदस्य को लिखना है, तो परिवार में जब हम लोग बहुपद लिखते हैं ना, यानी कि जब लिखते हैं द्विघात
द्विघात बहुपद लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए आसानी अच्छा दिखेगा कि हमारा द्विघात बहुपद हुआ या द्विघात बहुपद का परिवार नहीं हुआ, इस परिवार में कुछ छूट रहा है, एक भी सदस्य नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो इस परिवार में हमारा छूट रहा है क्या, पता है क्या, के छूट रहा है। यहाँ पे यानी अचर पद लेना है, के लीजिए, ए लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं, पी ले सकते हैं। तो मैं हमेशा प्राय के लेता हूं, के ले लिया। तो चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान दो माइनस बीटा होगा हमारा छ इंटू एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा दो गुना माइनस छ। तो के एक्स स्क्वायर कटेगा तो प्लस फोर एक्स माइनस छ में घटेगा दो माइनस चार और माइनस चार और माइनस दो का प्लस चार एक्स प्लस माइनस माइनस चौदनी बारह, यानी कि के एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस बारह। ये आपके पास द्विघात बहुत पद का क्या हो गया, परिवार हो गया। आपको यह द्विघात बहुपद हो गया, इस परिवार में के छूट रहा था, हम के लगा दिए या फिर ए लगा सकते हैं। आप आंसर में ए दिया हुआ देख लीजिए बगल में। चलिए क्लिक बना ही लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सात में, सात का सवाल है, बहुपद दिया गया है, बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स दिया गया ना। शून्यंकों के योग और गुणनफल को लिखे, शून्य का योग योग बोला है, यानी अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी का मान माइनस पांच है, ए का मान बराबर रूप में एक है, यानी बराबर कितना जाएगा पांच हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए, सी का मान छ, ए का मान एक बराबर छ, या आपका अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया या अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया, यानी शून्य का योगफल शून्य का गुणनफल। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ, आठ का सवाल है, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस छ, है ना, ये बहुपद है। शून्यंकों का योग पांच है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका दिया गया है पांच। तो ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का मान क्या हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बट्टा ए बराबर पांच, माइनस बी का मान क्या हो गया माइनस ए है और ए का मान है यहाँ पे एक बराबर पांच, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो इसलिए ए बराबर कितना आ गया आपका पांच आ गया आपका, ये क्या हो गया ए का मान निकल गया। आप प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नौ, नौ का प्रश्न है, बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स प्लस ए के शून्यंकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका दिया गया पच्चीस, मतलब शून्यंकों का गुणनफल पच्चीस है, तो ए का मान क्या होगा, तो शून्यंकों का गुणनफल कितना हो गया पच्चीस हो गया, ए का मान क्या होगा, तो गुणनफल हमारा होता है सी बट्टा ए, इधर कितना है पच्चीस, तो सी का मान ए बी सी, सी का मान है ए, ए का मान गुणा रूप में कुछ नहीं एक है ना एक बराबर पच्चीस, तो इसलिए ए बराबर क्या आ गया ट्वेंटी फाइव आपका, ये क्या आ गया अभिष्ट आंसर हो गया। आई होप मित्रों आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला पेज उठाते हैं, प्रश्न संख्या दस, दस में है, उस द्विघात उस बहुपद को लिखे जिनके शून्यंकों का योग और गुणनफल क्रमशः नौ आठ है, यानी योग का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया नौ और गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा दिया गया है आठ। तो निकला द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, यानी कि द्विघात बहुपद आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ना होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा है नौ, एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा आठ, बस यही आपका आंसर आ गया। चलिए ग्यारह में, बहुपद दिया गया फाइव प्लस टू एक्स स्क्वायर
माइनस फाइव एक्स। बोलता है कि मानव रूप में लिखें, लिखना है मानव रूप। तो जिस समय मैं चैप्टर शुरू किया था ये वाला बहुपद, उसमें बहुपद का परिभाषा, बहुपद का मानव रूप सब अच्छे तरह से मैंने आपको बताया था कि बहुपद के घातों को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिख दीजिएगा तो बहुपद का मानव रूप हो जाएगा। तो घात पहला लिखना है टू एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखना है फाइव एक्स, उसके बाद लिखना है प्लस फाइव। यहाँ पे घात दो है, घात एक है, घात यहाँ पे जीरो है। अब ऐसे भी ले सकते हैं लेकिन यह घात घटते क्रम में, अथवा पहले पांच लिख लीजिए उसके बाद माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे घात जीरो है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, चाहे ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए, आपका यहाँ क्या हो गया बहुपद का मानव रूप हो गया। चलिए तो ऑब्जेक्टिव पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि एक नंबर अगर एक ऑब्जेक्टिव सही होता है तो आपको एक नंबर मिलेगा, क्योंकि पता ही है बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव हो चुका है। 11 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में नीचे दिए गए बहुपद पी इंटू एक्स और क्यू इंटू एक्स के आलेख के चित्र में दिए गए हैं। तो नंबर आलेख को आप देखिए ध्यान से, आलेख कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे आलेख है, देखिए ध्यान से। यह जो है ना आलेख आपका एक नंबर का है, फिर नंबर दो में जो आलेख आपका दिया हुआ है वह आलेख जो है ना इस रूप में दिया हुआ है, आपका दो नंबर का हुआ। तो क्वेश्चन ए में बोलता है, प्रश्न ए है कि p इंटू एक्स के शून्यंकों की संख्या क्या है, शून्यंक क्या होगा, यानी कि एक नंबर का ए में उत्तर देना है कि शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की संख्या है ना, तो संख्या तो x अक्ष को इसे कहते हैं x अक्ष, है ना, आपको पता ही है x अक्ष इसको कहते हैं x। तो एक दो तीन जिस जितना जगह पे प्रतिच्छेद है वैसे होगा, तो एक दो तीन, तो शून्य कितना जगह तीन, शून्य कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा। अब b q इंटू एक्स के शून्यंकों की संख्या क्या है, देखिए ये हमारा p इंटू एक्स का बहुपद था, ये हमारा q इंटू एक्स का था। तो बिन बोलता है क्यू इंटू एक्स, तो इसका देखो एक्स अक्ष को एक को नहीं काटा है ना, यानी एक्स अक्ष को नहीं काटा, इसका मतलब क्या हुआ शून्यंकों की संख्या कुछ नहीं हुआ, शून्यंकों की संख्या कुछ नहीं तो मतलब क्या हुआ जीरो ना हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 13 में है के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना एक शून्यंक है, यानी कि एक्स बराबर आपका दिया गया है -4 जो है ना दिया गया है, और बहुपद को हम लोग पी इंटू एक्स कहते हैं, यह दिया गया है कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू के प्लस टू, यही है ठीक है ना। तो बोलता है के किस मान के लिए एक्स अगर माइनस चार होगा, तो क्या करेंगे जहां जहां एक्स है वहां बैठा देंगे माइनस चार का हो जाएगा स्क्वायर माइनस, फिर एक्स का मान है माइनस चार हो जाएगा ब्रैकेट माइनस टू के प्लस टू, इसका वैल्यू क्या हो जाता है जीरो। तो माइनस का वैल्यू प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस चार हो जाएगा माइनस माइनस टू के माइनस टू जीरो है। तो देखिए 16 चार हो जाएगा 20 इधर माइनस है टू के माइनस टू जीरो है, सीधा ही करते हैं 20 में गया दो बचा कितना 18 माइनस टू के इधर क्या जीरो है, तो 18 के को इधर भेज देंगे तो होगा टू के प्लस में दूना में 18, इसलिए के बराबर कितना आ जाएगा 9, के का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। चलिए 13 एक हो गया, आओ 13 का दो, वो 13 एक था ठीक है ना, एक नहीं लिखे थे, अब 13 का दो होगा। दिया बहुपद एक्स स्क्वायर
माइनस ए एक्स प्लस पांच के शून्य माइनस वन है, यानी कि x बराबर दिया गया माइनस वन, नहीं शून्य हो गया। तो a का मान क्या होगा, तो बोलता है a बराबर वाट, तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां x का मान धर देंगे माइनस वन ए गुना यहाँ पे फिर माइनस वन प्लस फाइव, शून्य निकालना है तो जीरो से तुलना कर दीजिए, बस ऑब्जेक्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे मार सकते हैं। माइनस एक का बार हुआ प्लस एक, माइनस माइनस प्लस ए गुना एक ए प्लस फाइव बराबर जीरो। देखिए ए बराबर पांच एक छो इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा छो, तो आपका ए बराबर कितना आ गया माइनस छ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में, 14 का है, एक बहुपद y बराबर f इंटू एक्स का आलेख चित्र में दिया हुआ है, तब इसके शून्यांकों की संख्या लिखें। तो बस आप ग्राफ को देखिए ध्यान से, ग्राफ चलिए हम एक बार बना ही देते हैं आपके लिए, है ना। तो बताना है कि इसमें जो है ना शून्य होगा, बताइए इस ग्राफ में कितना होगा, एक दो तीन एक्स को जितना कटेगा वही शून्य हो जाएगा। फिर देखिए 14 का दो में इस तरह से बताइए शून्य कितना होगा, एक्स अक्ष को पार्ट में नहीं किया है तो क्या होगा जीरो, वाई अक्ष से मतलब नहीं मतलब एक्स अक्ष से, ठीक है ना। चलिए हो गया 14, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए 15 में तब बोलता है कि एक्स बराबर दिया गया माइनस दो, तो बोलता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एट का शून्य एक शून्य है, ठीक है, यानी कि यह जो है ना एक्स बराबर माइनस दो क्या इसका शून्य है। तो क्या करेंगे पूरे बहुपद में यहां पर बैठा देंगे, अगर बैठाने पर अगर पूरे बहुपद को जीरो कर देगा शून्य कर देगा तो शून्य होगा नहीं तो नहीं होगा। चलिए माइनस टू का वर्ग हो जाएगा माइनस टू इंटू एक्स का मान है माइनस टू प्लस एट, तो होगा माइनस दो का वर्ग प्लस चार, माइनस माइनस प्लस चार प्लस आठ, चार चार आठ आठ सोलह, क्या जीरो आया, नहीं आया ना, इसलिए शून्य नहीं है, क्या है शून्य नहीं है। चलिए ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, आप जितना ऑब्जेक्टिव को सरल बना सकते हैं, क्योंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो उम्मीद है आप ऑब्जेक्टिव को ऐसे ही दोहरा दीजिएगा। चलिए 15 हो गया, अब चलते हैं 16 में, क्वेश्चन नंबर 16, के किस मान के लिए माइनस थ्री बहुपद इतना का शून्य है, यानी शून्य है यानी एक्स बराबर आपका दिया गया माइनस थ्री, या शून्य दिया गया है, और बहुपद जिसको लोग पी इंटू एक्स कहते हैं वह दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस ग्यारह एक्स प्लस के, तो बोलता है के का कौन सा मान के लिए माइनस एक्स माइनस तीन होगा, तो पी माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस ग्यारह गुना माइनस थ्री प्लस के, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाता है ना, माइनस थ्री का होगा प्लस नौ, माइनस ग्यारह दिया तैतीस प्लस के, तो जीरो बराबर घट गया तो नौ चार तेरह माइनस चौबीस प्लस चार, इसलिए के बराबर इस पर भेजेंगे नौ हो जाएगा प्लस चौबीस, यानी के का वैल्यू कितना आ गया प्लस चौबीस आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 में प्रश्न है, बहुपद एक्स क्यूब, यानी बहुपद दिया गया पी इंटू एक्स बराबर दिया गया है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का शून्य कितना है, यानी शून्य का मतलब अल्फा, अल्फा दिया गया आपका ए माइनस बी, अगला शून्य दिया इसको बीटा कहते हैं ए, अगला है गामा जिसको कहते हैं गामा कहते हैं, यह ए प्लस बी, तीन शून्य दिया हुआ है तो ए और बी का मान निकालना है ना। चलिए थोड़ा इसको ध्यान से, तो हमारे पास त्रिघात बहुपद के लिए तीन शर्त होता है, यानी कि तीन को शून्य के लिए तीन को बातें होती है, वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, एक अल्फा गामा,
अल्फा बीटा गामा, बस इसी तीनों में से किसी दो का यूज करेंगे तो मेरा ए और बी का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, जो आसान पड़ेगा हमारा ये वाला आसान पड़ेगा, ये वाला आसान पड़ेगा, इसी को लेंगे। इससे लेने पर हमारा जो आंसर आ जाएगा, लेकिन इजी वाला लेंगे। पढ़ लेते हैं, निकालेंगे ए और बी का मान। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है माइनस बी बटा ए होता है। तो चलिए अल्फा का मान हमारा है, देखिए ये समझो ए माइनस बी, अल्फा का मान ए माइनस बी, फिर प्लस है तो प्लस, बीटा का मान है ए प्लस, गामा का मान है ए प्लस बी, माइनस बी, बी का मान ए बी, बी का मान है माइनस तीन, ए ए का मान गुणा के रूप में कुछ नहीं था वन है, यहां से आपका बी बी कैंसिल हो चुका, ठीक है ना, एक दो तीन, तीन ए बराबर इधर माइनस माइनस हो गया तीन, तीन कम तीन, इसलिए ए बराबर आपका कितना आ गया वन, एक मान निकल चुका। चलिए और एक शर्त हमारे पास होता है अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटा ए होता है, अल्फा का मान है ए माइनस बी है ना, और बीटा का मान है ए माइनस बी गुना बीटा का मान है ए गुना सब में गुना यहाँ आता है, गामा का मान है ए प्लस बी माइनस डी बटा ए डी, ए बी सी डी, डी का मान एक, एक का मान भी एक है। चलिए तो जो हम लोग क्या कर जो मान निकाले हैं ना एक आइस बैठा देते हैं, एक माइनस बी, यहाँ ए का मान एक, यहाँ एक प्लस बी फिर माइनस वन है, यहाँ से खत्म, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपका होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस वन, एक और एक माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस वन, इधर लेंगे तो वन, इधर लेंगे तो प्लस वन हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो होगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर हो गया एक एक दो, तो बी बराबर, इसलिए बी बराबर हो गया अंडर टू प्लस माइनस, तो लिखना आता ए बराबर आ गया एक और बी बराबर प्लस माइनस रूट टू आ गया, क्या हो गया अभिष्ट आंसर आ गया था। अच्छा से यहां से देखिएगा, बिल्कुल इजी है, आप बना सकते हैं, पता कुछ है नहीं। सत्रह के बाद क्वेश्चन आ गया अठारह, है ना, दिया गया बहुपद ए इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव, है ना, तो शून्यक है ए बी, यानी कि शून्यक है ए, यानी अल्फा बराबर है ए और बीटा बराबर है बी, वही है, सॉरी बीटा बराबर ए, वही शून्य अल्फा बीटा मानते ना, वहां पे ए बी है, तो ए इंटू बी, ए इंटू बी का मतलब क्या हुआ, देखिए ए इंटू बी इसका मतलब हुआ अल्फा, ए का मान अल्फा हुआ, बी का मान बीटा हुआ, ए इंटू बी मतलब अल्फा इंटू बीटा बोला, तो सी बटा ए, तो सी का मान हो गया ए बी सी, सी का मान हो गया पांच, ए का मान हो गया एक, बराबर आपका आंसर कितना आ गया पांच। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 19, बहुपद दिया गया है, चलिए बहुपद लिख भी देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू ए, बहुपद दिया हुआ है, इतना के शून्य कितना है, शून्य दिया है अल्फा बराबर अल्फा और बीटा बराबर एक दिया है दो बटे अल्फा, यही है, तो ए का मान क्या होगा, हमारे हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, ये तो वो जानते हैं ना, सी बटा ए अल्फा का मान तो अल्फा है गुना बीटा का मान दो बटे अल्फा है, और सी का मान ए बी सी, सी का मान है टू ए और ए का मान हमारे पास है एक, यस अल्फा अल्फा खत्म हो गया, बच गया क्या टू बराबर, जब टू बराबर जब बच गया
टू ए खत्म हो गया एक बार में, इसलिए a बराबर आपका क्या आ गया, एक आ गया। हाँ कि ना गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स के सभी शून्य को लिखना, शून्य को लिखना है, डायरेक्टली मार देंगे बराबर जीरो, बनाना है ऑब्जेक्टिव और निकालना है शून्य, तो जितना आप शॉर्ट मार सकते उतना तेजी बना सकते हैं। तो इसमें कॉमन डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए, तो एक्स कॉमन ले लेंगे, तो होगा यहाँ पे एक्स माइनस यहाँ बचेगा टू, एक्स कॉमन लिए ना टू बचा बराबर क्या जीरो, दोनों तुलना कर देंगे जीरो से, तो एक्स बराबर भी हो जाएगा जीरो, इधर एक्स माइनस टू बराबर भी हो जाएगा जीरो, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा टू, यानी कि शून्य हमारा आ गया एक जीरो एक दो, ये हमारा क्या आ गया शून्य का आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 का सवाल है, अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एट एक्स प्लस फोर रूट थ्री के शून्य लिखे है ना, क्या लिखना है शून्य लिखना है, कुछ नहीं करना है, शून्य निकालना है तो डायरेक्ट बराबर मार दे जीरो, ऑब्जेक्टिव है, तो रूट थ्री एक्स स्क्वायर को पता है फर्स्ट गुना लास्ट करते हैं तो होगा गुना करने पर तीन, दोनों गुना करने तीन, तीन चौके बारह, दो टुकड़ा करना है, चार तीन बारह, चार तीन सात हो जाएगा, छो दिन बारह, छो दो आठ हो जाएगा, तो छो एक्स माइनस दो एक्स हो जाएगा हमारा माइनस आठ एक्स, और छो दिन बारह भी पड़ जाएगा प्लस फोर रूट थ्री बराबर जीरो। तो रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, इसको देखिए तीन गुना दो क्या छो होगा, देखिए इतना पड़ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस फोर रूट थ्री बराबर जीरो, तो रूट थ्री एक्स स्क्वायर हम रूट थ्री को, सॉरी थ्री को रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं गुना टू एक्स, देखिये रूट थ्री बराबर थ्री, एक थ्री हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पे डायरेक्टली कॉमन ले सकते थे लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इतना दो लाइन नीचे लगाना पड़ा, तो दोनों कॉमन रूट थ्री एक्स है तो बचेगा यहाँ पे एक्स माइनस रूट थ्री कॉमन ले चुके हैं, बचा रूट थ्री और बच गया रूट थ्री, यानी कि टू रूट थ्री बच गया ना माइनस, इसमें कॉमन टू तो एक्स प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस टू दूनी चार, इतना आपका बच गया, तो हो गया एक्स माइनस टू रूट थ्री और यहाँ पे है रूट थ्री एक्स माइनस टू बराबर जीरो, तो एक्स माइनस टू रूट थ्री बराबर इसको भी जीरो कर देंगे और रूट थ्री एक्स माइनस टू बराबर इसको जीरो कर देंगे, तो एक्स बराबर हमारा आ जाएगा माइनस से प्लस में टू रूट थ्री, भेजेंगे तो एक्स बराबर देखिए ये माइनस में आ गया प्लस में, ये गुना में होता गया भाग में, इसका चाहे आप परिमकलन भी कर सकते हैं, तो टू रूट थ्री बटे थ्री, तो शून्य का आपका आ गया टू रूट थ्री और टू रूट थ्री बटे थ्री आपका यही जो है ना क्या आ गया अभिष्ट शून्य का आ गया। ठीक है, पर दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे जो है ना हमारा वस्तुनिष्ठ है यानी ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव हमारा प्रश्न है जो अगले दिन देखेंगे, तब तक के लिए बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगेगा तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ओके, गुड नाइट, गुड बाय।